नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी और स्वागत है आप लोगों को राजू सोनी यूट्यूब चैनल में। तो आज है 9 जनवरी और चलते हैं मार्केट में और देखते हैं कि हमारी राइड कहां से स्टार्ट होती है और कहां जाकर ख़त्म होती है। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ऑल पे जाएगा, कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ इंस्टाग्राम का आईडी वहाँ भी जाएगा, फॉलो कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं और मार्केट देखते हैं आज हमारी राइड कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ जाकर एंड होती है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हाँ तो गाइस, ड्यूटी हम ऑन हो जाते हैं। सबसे पहले ओला को जो ड्यूटी ऑन कर लिए, ऑन डी का ड्यूटी ऑन कर लिए। अब रैपिडो का ड्यूटी ऑन कर लेते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि राइड हमारी आज कहां से स्टार्ट होती है। आज आप लोग देख सकते हैं अमिता चौहान MDDM कॉलेज, इनको कॉल कर लें। मैम कहां हैं? रोड पे पानी लगा, जो आदमी उसमें सवारी से जा रहे होंगे या ऑटो से रिक्शा से जा रहे होंगे उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, पर जो आदमी पैदल जाएंगे उन वो कैसे जाएंगे अब बताइए। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब हम लोग बैरिया बोलंबर पर पहुँचने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे थे कि हमारे सामने देख रही है बसेस और इनको हमें छोड़ना है बैरिया स्टैंड में। बैरिया स्टैंड में जाएंगे ना भैया? इनको छोड़ना है बैरिया बस स्टैंड। ये बैरिया गोलंबर से पेट्रोल पंप का देख सकते हैं। चलते हैं इनको बस स्टैंड में छोड़ते हैं और देखते हैं हमारे कितना बना। हमारी हो गई 75। नहीं है, हमने इनको लेकर आया जीवाशनी पार्क मंदानी लेन से बैरिया स्टैंड में। 75 बना हमारा और हम चलते हैं और सेकेंड राइड देखते हैं कि हमारी कहां से चालू होती है। प्रोसेस कर दिया मैंने और 5 स्टार दे दिया 5 स्टार या क्या करूँ। काफ़ी देर से हमें ये वेट करवा दिए क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद एक लड़की कॉल की हमें और बोली कि वहाँ ये हम लोकेशन पे गए। लोकेशन पे जाने के बाद लगभग 10 मिनट हमें वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं है, चलो चलते हैं। और 75 रुपीज़ हमारी बनी है और हमें मिला है कितना, 58 रुपीज़ 97 पैसा। देखते हैं यहाँ तो वेट कर लेते हैं सेकेंड राइड, कहीं हमें यहाँ से मिल गई तो ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इनको भी 3 दिन पहले हम बोले तो वो भी हंस रहे। देखिए आप लोग
वो भी हंस रहे क्योंकि आज से 3 दिन पहले इनको लेकर आए हैं धर्मशाला चौक से, और आज ही भैया यहाँ से हमें मिल गए हैं। इनको यहाँ से लेते हैं फिर इनको धर्मशाला चौक छोड़ते हैं। क्या भैया फिर अभी मिल गए हैं? कोई अभी हम बोल रहे हैं वीडियो में। कितना है? 50-56। बैठिए बैठिए। चलते हैं भाई को लेकर धर्मशाला चौक पे। भगवती मेडिकल हॉस्पिटल गुड़वा लग जाएगा ना कल से। अच्छा पूरा फ्रेश हो जाएगा। कंप्लीट राइड मेरा 29। ठीक है भाई। अच्छा कौन कौन सी चीज़ के यहाँ पे मतलब कौन पेट संबंधी टोटल लीवर लीवर किडनी फेफड़ा हार्ट लीवर किडनी फेफड़ा मतलब ये सब एक्सरसाइज सब टीवी हुई सब हर चीज़ का यहाँ है। अच्छा तो आप लोग का चीज़ में बता रहे आप लोगों को जो कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। तला चौक स्टेशन रोड मुर्की झील मिलेगा। ठीक है भैया थैंक यू। अभी आप लोग देख सकते हैं हम बालू घाट में हैं। अभी भैया को लेकर आए हैं बालू घाट से गन्नीपुर। 45 रुपया बना है आ जाएगा। अभी भैया 45 कर दिए ऑनलाइन। ठीक है भैया थैंक यू। ठीक है थैंक यू। तो अभी भैया पेमेंट कर दिए और हम यहाँ से लगाते हैं फोर राइड। देखते हैं फोर राइड हमारी कहाँ से मिलती है। हाँ तो गाइस अभी हमें चौथा राइड आ गया है और लेना है उनको मोदी फ्लाई ओवर जो वहाँ जो एकदम जहाँ से हम लोग फ्लाई ओवर पर चलते हैं वहीं से लेना है और चलते हैं देखते हैं कि कहाँ तक उनको जाना है। लोग देख सकते हैं मोदी पुल फ्लाई ओवर यही है। तो वही भैया जी हैं पूछते हैं कहाँ जाना है इनको। OTP बताइए। हाँ OTP कहाँ जाना है भैया? जीएनटी चौक है ना। हाँ हाँ 93-95। जीएनटी चौक पर जो हुआ डॉक्टर है वहीं पे। और राइड हमारी कंप्लीट हो गई 26। कितना है? 5 राइड के लिए हम रेडी हो जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारी 5वां राइड कहाँ से स्टार्ट होता है। शंकर पर माता गाइस 5वां राइड मेरा जो है सब अभी करना है श्री शंकर पर अनुज चौधरी श्री शंकर पर लखनपुरा मुजफ्फरपुर। चलते हैं और 5वां राइड कंप्लीट अपना करते हैं। 5922 कहाँ जाना है? ये चांदनी चौक पारस मॉल है ना। चांदनी चौक ऐसे चांदनी चौक का लोकेशन दिया पारस मॉल छोड़ देगा। कितना किलोमीटर है वहाँ से? यहाँ से अभी ऑन है। सब ऑन है तो हाँ राजस्थान चलता है। तेल ले लेते हैं गाड़ी बंद हो जाएगा कहीं तो वही प्रॉब्लम है। नोजल अब तक पिया गया है ना। कितना ही बड़ा आता है? कितना ही बड़ा आता है। अच्छा जी
कवर किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ये कवर डालने की वजह से लग रहा छोटा है ना। वही तो हम कह रहे हैं कि भाई, हाँ ले जाओ ले जाओ। चांदनी चौक हम लोग चलेंगे बिहारी लेंस होते हुए, क्योंकि ये आसान हो बैरिया से। फिर हम लोगों को इधर उल्टा आना पड़ेगा, इसकी वजह से प्लीज बिहारी लेंस होते हुए चलते हैं। आप भी चेक करते हैं, सामने बोर्ड भी लगा हुआ है अंधेरा की वजह से, आप लोगों को नहीं दिखा पाए ढंग से। अगर थोड़ा देर अगर 5-10 मिनट का काम होता ना तो हम रुक जाते, कोई दिक्कत नहीं। वो हमको थोड़ा लेट लगेगा ये। ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है। तो अभी भैया, जैसे कि भैया हमें वो लोकेशन डाले हुए थे बैरिया का, फिर हमको बोले हैं कि चांदनी चौक, तो हम उनको चांदनी चौक लेकर आए। उसके बाद फिर बोलते हैं बैरिया चलिए, बैरिया से फिर पुरानी मोतिहारी रोड में पारस मॉल है, वहाँ तक लाना पड़ा भैया को। 75 हुआ भैया का और इन्होंने हमें दिया 100 रुपीज़। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और अभी हम कैश कलेक्टेड, अभी हम यहाँ से चलते हैं, फिर देखते हैं छठा राइड हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। भैया कोई बर्थडे में आए हैं तो उनको हम बोले हैं कि अगर 2-4-5-10 मिनट 20 मिनट तक अगर टाइम देते हैं तो हम ही आपको लेकर चलेंगे, पर बोले नहीं भैया 1-2 घंटा टाइम लगेगा, आप निकल जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं छठा राइड हमारा कहां से स्टार्ट होता है। हाँ तो गाइस, अभी हमें एक राइड आ गई है सीता, और अभी आप लोग देख सकते हैं उनको फ़ोन नहीं, वो बिजी बता रहा है। सोचिए अब कन्फर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमने राइट लगा दिया है यहाँ बैरिया से अपने घर के लिए, और अभी पिकअप आ गया तो थोड़ा उनसे बात कर लें। जी सर, कहाँ पे हैं सर? कौन सा पेट्रोल पंप सर? ये बैरिया का नंबर ना? अच्छा ठीक है सर, बस गोलम्बर पे ही आ रहे हैं। छोटी थी सर? 9584। कहाँ तक जाना है सर? देख रहे हैं क्या? पानी टंकी। जी हाँ, वहाँ से आगे तक क्या मस्जिद चौक। अच्छा बैठ जाइए। तो सर को चलना है मस्जिद चौक, ये आप लोग देख सकते हैं बैरिया गोलम्बर से हम हैं, और हमारी राइड जो है कि अभी हुई थी पानी के बेस्ट साइड मॉल जो आप लोग देख रहे हैं निकनपुरा चौक, वहाँ से हमने पुरानी मोतिहारी रोड अभी आए हैं, और हमने घर के लिए वहाँ जो होटल लगाया जाता है वहाँ लगाया हूँ। उसके बाद सर हमें मिल गए हैं, इन्हें लेकर चलना है अभी पानी टंकी चौक होते हुए मस्जिद चौक। ऐसा राइट अगर रोज़ मिल जाता फिर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि खाली के लिए हमें खाली जाना पड़ता है घर, कोई बात नहीं होता है। तो अभी आप लोगों को दिन में भी हम दिखाए हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का स्थिति कितना ख़राब है, इस रोड का काफ़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ से आने जाने वाले को। और हमें तो इधर से पता है ये मंदिर के पीछे से निकल जाएंगे, तो अभी आप लोग देख देख सकते थे कि कितना पानी है, आप तो दिन में भी दिखा। और हम अभी इधर से मंदिर गए, वहाँ से मंदिर के पीछे से चल रहे हैं। और आप लोगों को खास बात बताएं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पे पानी में आने में, इसलिए क्योंकि रोज़ हमें जो है से कि 50 रुपया लगता है अपने बाइक को साफ करवाने में, इसी वजह से थोड़ा हमें ज़्यादा दुखी होती है, दुख होता है। कोई बात नहीं,
अभी आप लोग देख सकते हैं ये सब बन रहा है। यहाँ पे देख सकते दोनों तरफ के जो है कि नाला का काम जोर शोर से हो रहा है। जब ये बन जाएगा तो हम ही लोगों को ये अच्छा होगा, फिर जो भी पब्लिक चलेंगे इधर से उन लोगों को आसान होगा। अभी थोड़ा कठिनाई हो रही है हम ही लोगों को चलने में, और अगर हम पूरा होते हुए चलते हैं तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अभी आप लोग देख सकते हैं, देखिए यही है, इसी रास्ते से हम गए थे अभी तैर गए, फिर भी तैयारी ले नहीं है, सॉरी चांदनी चौक गए थे, और चांदनी चौक होते हुए फिर बैरिया गए, और बैरिया जाने के बाद फिर भैया बोलते हैं कि पुरानी मोतिहारी रोड में, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था और लोकेशन भी गलत डाले हुए थे। तो अभी हम लोग जो है कि प्रसाद हॉस्पिटल के पास पहुँच गए, आप लोग देख सकते हैं यह है प्रसाद हॉस्पिटल, बस थोड़ा आगे पर हम पूरा नाका, और अब हमारे मुजफ्फरपुर में कोरोना का केसेस ज़्यादा हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो आप लोगों से विनती करेंगे प्लीज़ मास्क लगा के ही निकलिएगा आप लोग घर से बाहर, सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर कीजिएगा। ये भाड़ वाला इलाका में मैं जाएगा आप लोग देख सकते हैं बुरहानपुर का पेट्रोल पंप ये है, और इसके बगल में आपको एक चीज़ और बार बार हर वीडियो में आपको बताते हैं, पीटी फर्निशिंग आप लोग देख सकते हैं, इनका ऑलरेडी एक अपडेट हम दे चुके हैं, और उन्हीं के बगल में M7 मेकअप स्टूडियो उनका भी अपडेट हम दे चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं जाकर। हेलो इमली चट्टी आ गए सामने, देखिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, यहाँ के वीडियो हम ऑलरेडी आप लोगों को दे चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग। मुजफ्फरपुर जंक्शन देख सकते कितना प्यारा सा लाइट जल रहा है, ओहो। तो ये जो है ना ये इलाका आपको 24 घंटे एकदम जगमगाते रहता है लाइट, और ये आप लोग देख सकते हैं, देखिए पोल पे कितना प्यारा जैसा लाइट लगा हुआ है, और कोई कोई पोल देख सकते हैं ये सब में जो है कि ख़राब हो गया, ये भी नहीं जल रहा है, और आगे भी नहीं चल रहा, आप लोग देख सकते हैं, देख सकते हैं ये भी बंदी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं मोदी जी फ्लाई ओवर के ऊपर, ये बाएं अगर आप लोग जाते हैं संतोषी माता मंदिर के बाद बैंक रोड इस्लामपुर मोदी जी भी जा सकते हैं, और अभी हम लोग चल रहे हैं मोदी जी फ्लाई ओवर के ऊपर, ओवरब्रिज पे चेकिंग चल रहा है, टाइम कितना हो गया आप लोगों को बता दें, 7:15 हो रहा है, और अभी से यहाँ से गश्ती पे जो गाड़ी होता है लगी हुई है, अच्छी बात है ये, और अभी हम लोग मोती झील में आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं
सीधा पानी टंकी चौक चले जाएंगे और हम लोग चल रहे हैं चेक में। और ये भी रोड जो है कि एक तरफ का डबल लेन बन गया है, आप लोग देख सकते हैं, देखते हैं। और सेकंड जो है से वो बन रहा है, काम चालू है, पूरा खोदा गया हुआ है, देखिए पूरा मिट्टी उट्टी सब निकाल दिया गया है, देख सकते हैं पूरा मिट्टी दिखा। अब पहले वाला बात रही रोड के ऊपर से ही रोड बनता है, अब होता है कि जो पहले का बना हुआ है उसे जो है से कि तोड़ा जाता है, उसे तोड़ कर और जो है कि जो भी मटेरियल होता है पहले का उसे हटा दिया जाता है और हटा कर फिर नया ढलाई किया जाता है घर देकर। ये चैट में स्कूल है थोड़ा आगे, ये सामने दिख रहे लाइट दिख रहा है वो चर्च। 25 दिसंबर को हम यहाँ का वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे डाल देंगे, देख लीजिएगा, बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया है। और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और गौशाला चौक पे आप लोग देख सकते हैं 14 जनवरी के लिए मकर संक्रांति का यहाँ पे रेस पूरा तैयारी किया जा रहा है। दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं दुकानें लगी बिल्कुल, और यहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट लगता है मकर संक्रांति के लिए। इससे एक दिन दो दिन पहले भी आप लोग यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। मस्जिद चौक सामने आप लोग देख सकते थे, मस्जिद सामने दिख रहा है, ये वह मस्जिद चौक। आप तो कहाँ तक चलना है भैया जी? आगे से राइट ले लीजिए, बेला रोड राइट लक्ष्मी नारायण कॉलोनी चलना है। लक्ष्मी नारायण कॉलोनी नहीं रहते हैं क्या आप? पहले कर दीजिए, नहीं तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कर दीजिए। तो अभी हमारा फिनिश हो गया, फाइव स्टार नेक्स्ट रेडी। देखते हैं इतना देर से, हम इतना दूर में तो हमारी कोई राइड नहीं मिलेगी। हाँ तो गाइज अभी हमने लास्ट, आज मैंने 6 राइड कंप्लीट किया हूँ मात्र, और हमारे बने 253, 253 रुपये बना, और उसमें हमने 200 का तेल ले लिया। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कमाए हमने, पर हम इसमें काम करने का मेरा रैपिडो में मेरा काम करने का रीज़न है कि हम आप लोगों को अपडेट देना, आप लोगों को अपडेट देने की वजह से हम रैपिडो में काम कर रहे हैं, नहीं तो हम नहीं करते। और आज हम 200 का तेल ले लिया, हमें क्या बचा? कुछ नहीं बचा, मात्र 50 रुपीज़ में क्या होगा भाई। अभी सुबह 10 बजे जब हम घर से निकलते हैं और 10 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हम 8 बजे घर आते हैं, सोच लो आप कितना घंटा हम ड्यूटी करते हैं, और ना ही तो खाना खाने के लिए आते हैं, ना ही तो नाश्ता करने के लिए। सुबह एक बार निकलते हैं तो रात को जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक कीजिएगा, और आप लोग अगर मार्केट, हम आप लोगों को हर वीडियो में हर जगह बोलते हैं प्लीज़ आप लोग मास्क अवश्य लगाइएगा, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिएगा, भीड़ भाड़ वाला इलाका में मत जाइएगा। अभी बचना हम लोगों को बहुत ज़रूरी है, ये तीसरी लहर है, हम लोग अगर इससे बच गए तो समझिए हम लोग नया जीवन जिएंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।